नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश। बड़ी खबर में माफिया अतिक अहमद की हत्या के बाद नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि अतिक की काली कमाई को उसके खास गुर्गे असाद कालिया के जरिए ठिकाने लगाया जाता था। आज की बड़ी खबर में बात इसी मुद्दे पर। अतिक की बीवी शास्ता परवीन अवैध वसूली से आने वाली रकम को असाद कालिया को देती थी, जिसे वह प्रॉपर्टी डीलिंग में लगाता था। इसका खुलासा पुलिस पूछताछ में अतिक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि यह अवैध रकम प्रयागराज, लखनऊ, गुजरात, दिल्ली और मुंबई से अतिक अहमद को मिलती थी। यह पैसा अतिक अपनी बीवी तक पहुँचाता था और असाद कालिया इस रकम को प्रॉपर्टी में लगाता था। जानकारी के मुताबिक असाद कालिया को अतिक अहमद परिवार का भरोसेमंद गुर्गा माना जाता था। अतिक के जेल जाने के बाद असाद पर पूरा परिवार आंख बंद कर भरोसा करता था। असाद कालिया माफिया की अवैध रकम को प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगा देता था। असाद कालिया जमीन की प्लॉटिंग करता था और अपने साथियों के साथ इसे बेचता था, जिसका सीधा फायदा अतिक अहमद के परिवार को होता था। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतिक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन भी आरोपी है और उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। शायस्ता परवीन अभी भी फरार है और पुलिस शायस्ता परवीन और दो अन्य फरार चल रहे आरोपियों के ऊपर लुक आउट नोटिस भी जारी किया है, जिससे वह विदेश नहीं भाग सकती है। यह नोटिस 1 साल तक मान्य रहेगा। अतिक अहमद के बाद उसकी काली कमाई की देखरेख शायस्ता परवीन ही करती थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।